As we've discussed in last module, now we are going to do web test recording with Visual Studio. We can record a test case as a web test using Microsoft Visual Studio. And again, as I as I'm telling you, I mean, I've discussed this number of times, many purposes. One of them is to have an automated software, te automated test case.

लोड टेस्ट को भी सरफेस से कवर करना जरूरी था इसीलिए हमने पहले वेब टेस्ट को एक्सप्लेन किया वेब टेस्ट एक्सप्लेन करने के बाद हमने क्या किया वेब टेस्ट रिकॉर्डिंग की फिर हल्का सा लोड टेस्ट एक्सप्लेन किया फिर लोड टेस्ट रिकॉर्डिंग हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे ये जो हम टूल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये वन आफ्टर दी अदर आपको मिल जाएं और एक कंटिन्यूएशन में मिले ये इस तरह ना हो कि एक आया फिर पंद्रह लाइट के बाद या पंद्रह मॉड्यूल्स के बाद फिर एक और आ गया तो एक मैकेनिज्म वो भी है वो भी कोई गलत नहीं है लेकिन ये है कि मेर, मेरा ये व्यू था कि हम सारे के सारे आपको जो जो भी हमने इसके आपको ऑटोमेशन के एंगल से बात करनी है वो तकरीबन एडजस्ट हो तो इसलिए मैंने बड़ा इसको इस तरह प्लान किया सो एनी हाउ अच्छा कोडेड यू टेस्ट केस बाद में देखेंगे फिलहाल हम वेब परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्ट केस बनाएंगे ओके okay, कैसे हम जनाब अच्छा विजुअल सी शार्प में हम जाके एक टेस्ट केस क्योंकि हमने पहले भी सी शार्प ही यूज किया है इसलिए हम सी शार्प पे रह रहे हैं और वेब परफॉर्मेंस टेस्ट केस हमने क्या किया एक सिलेक्ट किया इसके फौरन बाद हमने अब आप देखिए जैसे ही मैंने टेस्ट केस टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन किया वेब परफॉर्मेंस टेस्ट प्रोजेक्ट इस टेस्ट प्रोजेक्ट में जाके मैंने मुझे सिस्टम विल आस्क मी के जनाब वॉट डू यू वॉन्ट मेरा वेब इसका वेब एंड लोड टेस्ट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर स्कोर वी यू मैंने इसका नाम रखा मैं ऐड करने जा रहा हूं ऐड क्या करने जा रहा हूं देखिए मेरे पास बहुत ऑप्शन है मैं न्यू यूनिट टेस्ट केस ऐड कर सकता हूं लोड टेस्ट केस ऐड कर सकता हूँ वेब परफॉर्मेंस टेस्ट केस ऐड कर सकता हूं, हूं कोडिड यू आई टेस्ट केस ऑडिट जेनेरिक मैंने चूंकि हमारा परस्पेक्टिव इधर है तो हम सिर्फ इस वक्त वेब परफॉर्मेंस टेस्ट केस ऐड करने जा रहे हैं जनाब ओके अब वेब परफॉर्मेंस टेस्ट केस मैंने ऐड किया जैसे ही मैंने इस वेब टेस्ट केस को ऐड किया और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जैसे ही मैंने इसके रिकॉर्ड पे क्लिक किया मैं इसको आपको करके दिखा दूं ये देखिए ये एरिया है इसका ये एरिया जनाब रिकॉर्डिंग रिकार्डिंग मैंने वेब टेस्ट पे उस पर राइट क्लिक किया रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये सब कुछ आ गया जी सिस्टम विल ओपन फॉर मी दी इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफ माय चॉइस जो भी मैंने एक्सप्लोरर लेना है इस वक्त मैंने इसके साथ नाइन हुआ नाइन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके पास और नजर आनी चाहिए आपको ये देखिए ये area, ये जो नई डिवीजन देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें आपके पास एक और ऑन खुल जाएगा जिसमें रिकॉर्ड पॉज स्टॉप ये सब कुछ हाईलाइटेड होगा जैसे ही आप इसके अंदर गए आपने पहला काम करना है आपने इसको आपकी जो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है आपने उसका यू प्रोवाइड करना है ओके जैसे ही आपने इसका यू प्रोवाइड करेंगे या आप और किए स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने पहले हाईलाइट किया रिकॉर्ड पॉज स्टॉप ये सारा अब सो अगर आप चाहें तो सिलीनियम यूज करें चाहें तो आपके पास विजुअल स्टूडियो एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी या एक बहुत बेहतर सेटअप प्रोवाइड कर रहा है यू कैन मेक यूज़ ऑफ़ इट। मैंने जैसे ही गया मैंने जाके कलम गुरु डॉट कॉम इसको दिया ये देखिए जनाब मैंने इसे कलम गुरु प्रोवाइड किया अब आप इसमें बड़ी मजेदार बात देखें कलम गुरु डॉट कॉम जब मैंने ओपन करने की कोशिश की तो सिस्टम को शायद इसके अंदर मुझे हो गई थी कोई मिस्टेक तो इट टूक मी टू बिंग अब ये सारी की सारी ये देखें, बिंग का जो सारा का सारा ये चूंकि सिस्टम तो रिकॉर्ड कर रहा है एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग सिस्टम एक्सपेक्टेड कि आपने कोई स्टेप लिया उन सिस्टम ने आपके लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया जबकि ये मेरी इंटरेस्ट की चीज नहीं थी अब अगेन आप देखें इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ कि ये चीजें मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी इवन दो दे आर गेटिंग रिकॉर्डेड जब मैं इनको फाइनली ट्रांसफर करूंगा तो मैं इनको डिलीट करने की ऑप्शन मुझे सिस्टम देगा और ये देखें मेरे पास ये जैसे जैसे मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मेरे पास एक एंट्री आ रही है साथ ही मेरे पास विजुअल स्टूडियो में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आ रही है और ये कलम गुरु जो मैंने आपको दिखाया था ये अगर आप गौर करें तो ये कलम गुरु हमने उसको पहले सिलेक्ट किया या पहले एज ए यू आर एल इसको इनपुट किया इट इज वर्थ नोटिंग दैट रिकॉर्डिंग द इंटरनेट वेंट ऑफ एक्सप्लोरर रॉन्च बिंग एंड रिकॉर्डेड इज दिस एज ए स्टेप वी रिमूव दैम अच्छा जो मेरे अनवॉन्टेड होगी सो मुझे टेस्ट केस जिस तरह सिलीनियम में मिल जाता है जिसके अंदर मैं उसको एडिट कर सकता हूँ उसको स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं या उसको जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको केटर कर सकता हूं इसी तरीके से इसमें भी होगा ये देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग में आ गया रिकॉर्डिंग मैंने इनको डिलीट कर दूंगा डिलीट करने के बाद अब मेरे पास ये अच्छा इसके अंदर आप देखें एक एक स्टेप मेरे पास रिकॉर्ड हो गया और ये सिंक्रोनाइज वे में आ रहा है आप गौर करें ये सिंक्रोनाइज है नहीं जी ओके अब देखें वेब टेस्ट रिकॉर्डिंग विजुअल स्टूडियो मेरी जैसी मैं इसको कंप्लीट करूंगा अभी तो फिलहाल रिकॉर्ड मोड में हूं मैं इधर रिकॉर्ड मोड में हूं जी जैसे ही मैं स्टॉप मोड में जाऊंगा स्टॉप करूंगा इसको तो ये जनाब डायनामिक पैरामीटर्स जो मैंने दिए थे उन सबको ये डिटेक्ट करेगा रिकॉर्ड करके मुझे एक टेस्ट केस की फॉर्म में बना के दे देगा ये आप देखें मेरे पास सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो अपडेट हो जाएगी अपडेट हो जाएगी तो अब आप नोटिस करें कि के टेस्ट केस डेवलप हो गया टेस्ट केस बन गया टेस्ट केस विद ऑल स्टेप्स मेरे पास रेडी है नाउ आई राइट क्लिक माई टेस्ट केस वंस आई राइट क्लिक आई कैन रन माई टेस्ट केस वीन बाई रनिंगेब टेस्ट वन को वह उनको टेस्ट केस को लिया मैंने उसको रन टेस्ट केस किया okay. अगर आप गौर करें अगर हम इसको देखें तो हमारे पास रन टेस्ट हुआ रन डेस्ट हुआ तो आप गौर करें पूरे स्टेप्स जो मैंने डिलीट करके अपडेट किए थे आप पीछे देखें इसके अंदर मैंने स्टेप्स काफी सारे डिलीट कर दिए अगर आप इसमें देखें सिर्फ चंद स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं बींग वगैरह वो जो बाकी अनवांटेड डेटा था वो मैं आई करें कि मैंने हर स्टेप को रन किया और सिस्टम मुझे बता रहा है जी इसका स्टेटस क्या है टोटल टाइम कितना लगा रिक्वेस्ट टाइम क्या था रिस्पॉन्स बाइट कितने थे रिस्पॉन्स so so, बाइट कितने थे और उसका स्टेटस क्या है और ये वेब ब्राउजर है जी जिसको खोल के सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं इस जगह पे हूं सो इट इज गिविंग मी अ कम्प्लीट कंट्रोल ओवर वॉट आई एम डूइंग ओके अब जनाब मेरे पास मैंने पहले टेस्ट केस रिकॉर्ड किया वेब टेस्ट रिकॉर्ड किया अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और देख रहा हूं कि मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है ये देखिए जनाब इसमें मल्टीपल स्टेप्स थे इसने हर स्टेप को अगर ये एग्जीक्यूट हो गया मैं लॉग करना चाह रहा था आप याद करें मैं पिछली कोई बीस मॉड्यूल से बीट एम टी एम जो भी हो मैं एक ही एप्लीकेशन लेके चल रहा हूं और एक ही एक्टिविटी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मुख्तलिफ परस्पेक्टिव से मुख्तफ एंगल से एक्टिविटी एक ही रहे टेस्ट केस एक ही रहे आप उसको एक मैकेनिज्म से नहीं होता तो दूसरे से करके देख लें दूसरे से नहीं रिक्वायर्ड तीसरे से करके देखें तो ये जनाब आप गौर कीजिए कि मैंने वेब टेस्ट रिकॉर्ड किया करने के बाद एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट किया तो वेब ब्राउजर में मुझे ये वेब ब्राउजर में मुझे जो मेरा वेब ब्राउजर विद इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो उसने लॉन्च करके दिया सिस्टम ने मैंने उसके अंदर चीजों को करके देख लिया स्टेप बाय स्टेप ओके एंड दिस इज दी डेटा पर्टेनिंग टू दिस जनाब देखिए कि अब मैं ना सिर्फ इसको रन कर सकता हूं अगर मैंने इसको मेंटेन करना है फॉर माय ओन पर्पजेज मैंने इसको एडिट करना है तो मैं जनरेट कोड भी कर सकता हूं ये देखिए

विजुअल स्टूडियो से देखा है हमने और हमने विजुअल स्टूडियो का अपना प्लेटफॉर्म देखा है ये कोड आ गया जी अगर इस कोड को हम देखें तो इसके अंदर हम जो भी अपनी जो रिक्वायर्ड एडिटिंग है वो हम कर सकते देखिए हम जहां से भी घूम रहे हैं हर तरह से हमें एक ही एंड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हमने ऑटोमेटेड टेस्ट केस हमें मिल गया टेस्ट केस रिकॉर्ड एक मिल गया टेस्ट केस री एग्जीक्यूशन ऑन ए सिंगल क्लिक मिल गई और वी कैन री रन फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड सिलीनियम के यूज से देर आर कंपनीज जहां पे यूनिट टेस्ट सिनेरियो डेवलप करके डेवलपर देगा और टेस्टर साथ बिठाया जाएगा जो कि सिलीनियम बेस्ड टेस्ट केस जनरेट करके देगा और उसे मेंटेन uh, किया जाएगा एज पार्ट ऑफ द हाउ Important uh, use of these tools is these days for software testing.